वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नवरात्रि का मैं इधर एक सीरीज़ चला रही हूँ जिसमें मैं हर डे आप लोगों के लिए डाइट प्लान शेयर करूँगी। तो आज मैंने एक आप लोगों को जो है एक नॉर्मल डाइट प्लान दे दिया जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आप लोग के साथ भी एक बहुत अच्छा सा फर्स्ट डे का जो मेरा नवरात्रि फर्स्ट डे का डाइट प्लान था वो मैं किस तरह से पूरा दिन ले रही हूँ, कौन सी चीज़ें ले रही हूँ, वो सारी चीज़ें बताऊँगी। जिसमें मैंने आई थिंक अपना मॉर्निंग ड्रिंक भी ऐड किया है, अपना ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी और डिनर का भी मैं आपको ऑप्शन दे दूँगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मैं 6 बजे के बाद 5, 5:30, 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती हूँ, इसीलिए इवनिंग टी तक ही है ये जो डाइट प्लान। उसके बाद मैंने कुछ भी चीज़ें इंक्लूड नहीं की। हाँ, अपना नाइट ड्रिंक जरूर ऐड किया है, तो उसका पर्टिकुलर एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाया है कि इस नवरात्रि आप कौन से जो है वेट लॉस ड्रिंक ले सकते हैं, तो वो आप चेकआउट कर लेना। फिलहाल आज का जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नवरात्रि का day 1, day 2 इस तरह से डाइट प्लान लेके आती रहूँगी, तो चलिए दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं अपने फर्स्ट डे के मॉर्निंग ड्रिंक की शुरुआत करती हूँ आंवला जूस से। अगर फ्रेश आंवला मिल रहा है तो सबसे बेस्ट है, और अगर नहीं मिल रहा है तो 4 ढक्कन जो है इसके हल्के से गर्म पानी में आपको सुबह सुबह बिल्कुल खाली पेट लेना है। देन उसके बाद हम करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। जो मैंने मॉर्निंग ड्रिंक लिया था उससे पहले मैं पूजा करके फ्रेश हो चुकी थी बिल्कुल, उसके मॉर्निंग ड्रिंक के आधे घंटे बाद मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाना सबके लिए स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने लिया है सिंघाड़े का आटा जिसका आपको एक डो रेडी करना, और इसे मैं 5 to 10 minutes ऐसे ही रख दूंगी। देन इसके बाद मैंने लौकी को अच्छे से घिस लिया था, उसे बॉयल कर लिया था, और इसका एक्सेस वाटर मैंने निचोड़ के मतलब काफ़ी अच्छे से निकाल दिया था, और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर भी कट करके रख दिए थे। देन उसके बाद मैंने एक यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाला जो देसी घी होता है वो मैंने डाला यहाँ पे लगभग 1.5, जो जितनी लौकी थी उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी कम क्वांटिटी में डाला, यानी 1.5 चम्मच ही लगभग मैंने डाला। और जो लोग जीरा खाते हैं वो जीरा भी डाल सकते हैं, जैसे जीरा खाया जाता है व्रत में, इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तीखी मिर्च हमारे यहाँ मतलब तीखा इतना नहीं खाया जाता है, तो मैं तीखा नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो 2 टमाटर इसमें डाले थे वो मैं इसमें डाल दूँगी, और मैं इसी समय इसमें नमक भी डाल दूँगी बिकॉज़ ऑयल कम है, तो नमक जो है मॉइस्चर दे देगा और टमाटर अच्छे से इसमें गल जाएंगे। और इसके बाद मैं इसे ढक दूंगी ताकि ये टमाटर जो हैं अच्छे से मैश हो जाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं, और इसके बाद जो हमारी लौकी थी जिसका मैंने एक्सेस वाटर निकाला था वो मैं इसमें डाल के इसे अच्छे से जो है भून लूँगी। तो यहाँ पे जो हमारी व्रत की सब्जी है वो लगभग बन के रेडी हो गई, मतलब मैं अभी लौकी को हल्का सा भूनूंगी भी, फ्राई भी करूँगी, अभी इसे ढक दूँगी ताकि जो टमाटर है और जो जीरा है, जो नमक है, अच्छे से लौकी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसे ढक के अभी थोड़ी देर और पकाऊंगी। देन उसके बाद हमारा आटा भी रेडी हो चुका है, और एक गीला कपड़ा नीचे बिछाइए और इस तरह से आप इसे अपनी रोटी पूड़ी कुछ भी बना लीजिए, बिकॉज जिनको नहीं बनाना आता है उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि नीचे गीला कपड़ा डाल के इस तरह से आप बनाइए। तवा रेडी रखिए, बिल्कुल बूंद भर उसमें ऑयल डालिए, एंड देन उसके बाद उसे अच्छे से मतलब फैला दीजिए। देन इस तरह से आप अगर बनाना जिनको बनाना नहीं आता है वो इस तरह से इसमें अच्छे से बना सकते हैं। काफ़ी अच्छे से पकाइए, चाहे रोटी चाहे पराठा, फर्स्ट ऑयल में, लेकिन आप ऑयल मतलब ऑयल लगा दीजिएगा, वरना आपकी रोटी जो है वो जो है दब जाएगी, और मतलब दब नहीं जाएगी, सॉरी चिपक जाएगी, तो आप उसे पलट नहीं पाओगे। तो इस तरह से अगर आप रोटी और पराठा नहीं बना पाते हैं सिंघाड़े का या कुट्टू का, तो आप इस तरह से इसे बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी है, जिसमें मैंने 2 रोटी ली है, 1 सेब लिया है, सब्जी ली है, और यहाँ पे लौकी की खीर ली है। देन उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने लंच की तरफ। लंच में अगेन मैंने सिंघाड़े का आटा लिया है, और यहाँ पे मैंने दही लिया है, हरी मिर्च ली है। इसकी बनाते हैं हम कढ़ी, बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करूँगी। तो दही को जैसे नॉर्मल आप कढ़ी बनाते हो, जस्ट लाइक बेसन की जगह मैंने कुट्टू का आटा यूज़ किया है, दही तो अमृत में खाते ही खाते हैं, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है, और अच्छे से इसका एक
पेस्ट मतलब रेडी करूँगी, जैसे आप सिंघाड़े का बेसन का पेस्ट रेडी करते हैं उस तरह से इसका अच्छे से पेस्ट रेडी करूँगी। इसमें पानी डालते जाऊँगी और इसे अच्छे से मिलाते जाऊँगी ताकि कोई भी लम्ब्स ना रह जाएँ। और इसके बाद मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी, नॉर्मल सी बात है, और मैं लोहे की कढ़ाई ज़्यादा प्रिफर करती हूँ बिकॉज हम लेडीज़ को आयरन की बड़ी ज़रूरत होती है। अगेन मैं देसी घी ऐड करूँगी 1 से 1.5 चम्मच, और इसमें अगेन मैं जीरा ऐड करूँगी जो कि नवरात्रि में स्पाइसेस हम खाते हैं वही सिर्फ डाल सकते हैं और एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च बिकॉज हरी मिर्च खाना पसंद है जिसको खा सकते हैं। नहीं, मैंने बहुत थोड़ी सी डाली है इतनी ज़्यादा कढ़ी के लिए कि हल्का सा फ्लेवर आ जाए। आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। देन उसके बाद इसी समय मैं पहले अच्छे से भून लूँगी ताकि जो हरी मिर्च के अंदर के जो बीज हैं वो ऑयल में मिल जाएँ और एक तीखापन अच्छे से आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो हमने बैटर रेडी किया था, घोल रेडी किया था, वो हम इसमें डाल के इसका एक तड़का लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि कैमरे की तरफ धुआं आ रहा है, एक अच्छे से तड़का लगाएंगे। यहाँ पे ये गाढ़ा होने लगा है इसलिए हमें इसी समय फटाफट इसमें पानी डाल देना है वरना नीचे नीचे जमने लगता है। तो यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ और पानी जितना हो सके गाढ़ा करना मतलब डालना बिकॉज ये कढ़ी गाढ़ी होती जाएगी और यू नो कढ़ी का यही बेसिक फंडा है कि वो गाढ़ी हो जाए तभी उसे कढ़ी बोलते हैं, काढ़ा जाता है। देन उसके बाद मैं इसमें मखाने ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से पकाऊंगी, और लोहे की कढ़ाई ने भी अपना बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट इसमें दिखाया है। तो हमारी कढ़ी रेडी है और मैंने 2 कुकुम्बर इस ले लिए थे, तो हमारा लंच भी यहीं फिनिश होता है। ये करते करते शाम के 5 बजे थोड़ा सो गई थी, 5 बज गया था, फिर मैंने एक लिया बनाना, उसके बाद मैंने लिया एक अखरोट। मतलब ये मेरी शाम की डाइट मुझे लेना ही लेना है, और मैंने कोई भी चाय नहीं लिए उसके। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला डाइट प्लान कैसा लगा। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना जिसकी आईडी है बीइंग ब्यूटीफुल सुगम, यानी मेरे चैनल का नाम और साथ ही साथ मेरा नाम, और वहाँ पे भी मैं डे बाय डे अपनी डाइट शेयर करती रहती हूँ। नवरात्रि नॉर्मल डेज में भी हर डे की मैं जो है वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब करती रहती हूँ, तो वहाँ पे भी आप देख लेना। और साथ ही साथ ये आपको डाइट प्लान कैसे लगा उसका भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वो चाहे इंस्टाग्राम पे बता देना चाहे यहाँ पे बता देना। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आओ तो फटाफट से सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।